ओए मैं टब्बर खा जा ते टकार ना मारा, वो मेरा नाम लैके मावां बाल डरांदियां ने, और तेरी लाश नूं मच्छियां ही खाणगियां, और मैं नत्थ पा देंगा, और मैं अड्डी मारा तो भुचाल आ जाए, और मैं अखा पिछा अखा पा के साह खिंच लैना वा, और रख इत्थे, और जिन्हें साढ़े नाल मत्था लाया उसकी माँ ने वैन ही पाए ने, और साढ़े चिट्टे भी कदी हरे नहीं होए। नाजरीन, इंसान तकदीर के हाथों में, जो कुछ भी होना होता है वो उस वक्त होता है जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए। ज़िंदगी के हर पल पर तकदीर की मोहर लगी हुई है। इंसान बेबस है, मजबूर है, लाचार है। तकदीर के आगे किसी की एक नहीं चलती। ये वक्त भी अजीब शय है, कभी सुबह, कभी शाम, कभी बहार, कभी ख़ज़ां। ये वक्त अजीब व गरीब ख़जाने भी अता करता है, कभी सुख की कलियाँ और कभी दुख के कांटे, कहीं शहनाइयों की गूंज और कहीं गम के थपेड़े। ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। जी नाजरीन, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फ़िल्म के हीरो के बाद विलन को एक ख़ास मुकाम हासिल होता है। विलन के बगैर फ़िल्मी कहानियाँ अधूरी लगती हैं। बतौर विलन जिन्होंने अपना बहुत नाम कमाया, उनमें अलाउद्दीन, मजहर शाह, असद बुखारी, मुस्तवा कुरैशी, अफजाल अहमद, अदीब असलम, परवेज़ अलियाज कश्मीरी, सावन तालिश वगैरह को ख़ास शोहरत हासिल हुई। हमायूं कुरैशी भी इनमें आते हैं। और एक हमारे ऐसे फनकार थे जिनको आज तक आवाम नहीं भूल सकी। आप समझ जाएंगे, ओए मैं टब्बर खा जा ते टकार ना मारा, और मेरा नाम लैके मावा बाल डरांदियां ने, और तेरी लाश नूं मच्छियां ही खाणगियां, और मैं नत्थ पा देंगा, और मैं अड्डी मारा तो भुचाल आ जाए, और मैं अखा पिछा अखा पा के साह खिंच लैना वा, और रख इत्थे, और जिन्हें साढ़े नाल मत्था लाया उसकी माँ ने वैन ही पाए ने, और साढ़े चिट्टे भी कभी हरे नहीं होए, वगैरह वगैरह। आप नाज़रीन समझ गए होंगे, ये माजी की फ़िल्मों के ये डायलॉग आज भी अवाम में बेहद मकबूल हैं। और ये डायलॉग सबवे अव्वल के विलन मज़हर शाह के हैं। मज़हर शाह का घरेलू नाम सैयद मनवर अली शाह है और फिल्मी नाम मज़हर शाह। मज़हर शाह महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर थे और वो मुलाजमत छोड़कर फिल्मी इंडस्ट्री में आए। सबसे पहले उन्होंने फ़िल्म बेगुनाह में काम किया। फ़िल्म के हदायतकार थे अनवर बेग। वो इस फिल्म में हीरो थे और साथ नैयर सुल्ताना, तालश, निगर सुल्ताना ने काम किया। ये फ़िल्म 7 फरवरी 1958 को रिलीज़ हुई। मज़हर शाह 1 जनवरी 1923 को ग्वाल मंडी लाहौर में पैदा हुए और सारी ज़िंदगी यहीं गुजार दी। 22 जनवरी 1982 में मैंने मज़हर शाह का तफसीली इंटरव्यू किया था। उन दिनों उनके माली हालात बहुत कमज़ोर थे। मज़हर शाह के 24 साल फिल्मी दौर में उन्होंने बहुत शोहरत पाई। अल्लाह ने उन्हें बहुत कुछ अता किया। उन्होंने बतौर फिल्म साज भी 3 फिल्में बनाईं, कजला, सिरदा, साई और मैरम दिलदा। उनका ऑफिस रतन शर्मा के सामने बैतुल क़याम था। एक लंबी सी गली थी, उसके अंदर जाके था और वहाँ पर मेरा आना जाना था। वहाँ पर ही असलम ईरानी का दफ्तर था जिसका नाम था लवली पिक्चर्स। असलम ईरानी का भी वहीं दफ्तर था। ये रतन शर्मा भी कोल्हापुर था। मेरे फ़ोटोग्राफ़र एम बशीर मरू ने मुझे बताया कि मज़हर शाह साहब के हालात कुछ अच्छे नहीं, उनके यहाँ जाना है। मैंने उनसे वादा किया हुआ। मैं उनके साथ ग्वाल मंडी गया तो एक उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वे एक छोटे से कमरे में पहली मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। उन्होंने मुझे वेलकम किया। आगाज़ में उन्होंने मुझे अशार सुनाए। कभी इज्तनाब की धूप में, कभी इल्तफ़ात की छाँव में, इसे गर्म सर्द में कट गई मेरी ज़िंदगी तेरे गाँव में। मेरी मसलहत के गुबार ने मेरी अहदियत को छुपा लिया। ना आबाद तो में खलूस है, ना तो कैफ है दुआओं में। अरे बेखबर तुझे क्या खबर, मेरी ज़िंदगी पे न तंज कर। मैं वफा का ऐसा गुलाब हूँ जो महक रहा है ख़ज़ाओं में। मेरा नाम लिखकर बिगाड़ना, कभी ख़त से जुमलों को काटना। अभी बाकपन से अदाओं में, अभी ज़िंदगी है ख़ताओं में। कहीं रंग व नस्ल के मसले, कहीं मौत व जीस्त के मरहले। पर देख आज का आदमी भटक रहा है खलाओं में। मेरे एक सवाल के जवाब में उन्होंने फरमाया था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी का नुकसान नहीं किया। मैं वक्त पर शूटिंग पर जाता, वक्त पर हर को किसी को टाइम नहीं। जिसने पैसे दिए हैं वो ले लिए हैं, जिसने जो दिया है वो मैंने ले लिया। मैंने किसी का ज़िंदगी में दिल नहीं तोड़ा। मेरी कोशिश भी फिल्मी दुनिया में रहकर यही रही। लेकिन आज जब कि मैंने न जाने कौन सा गुनाह मुझसे सरजद हो गया कि मुझे फरामोश कर दिया गया। अकमल के बाद कुछ काम मिला लेकिन उन दिनों कुछ भी नहीं। घर पर एक जिंदा लाश बनकर पड़ा रहता हूँ। फिल्में बन रही हैं लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा। गुज़र-ओ-औक़ात बहुत मुश्किल है, आपको क्या बताऊँ। वो फिर बोल पड़े, 2 रोज़ के आलम का शबाब गुज़र गया। बदनाम करने आया था बदनाम कर गया। गुज़रे हुए ज़माने का अब तज़किरा ही किया। ये अच्छा गुज़र गया, बस अच्छा गुज़र गया। शाहिद साहब मैं क्या, वो मुझे कहने लगे, शाहिद साहब मैं आपको क्या कहूँ, क्या बयान करूँ, आप मुझसे क्या सवाल करेंगे। इसके साथ ही शाह साहब की आंखों में आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। फिर उन्होंने घरेलू हालात पर जो गिले शिकवे किए वो बयान करने के काबिल नहीं है। वो मुझे कहने लगे, देखे मैंने अपने 3 फिल्में बनाई, 3 फिल्में बेचकर बेटे को बाहर भेजा। बेटे ने अपनी माँ को भी बाहर बुला लिया और मैं अकेला यहाँ पड़ा रहता हूँ। मुझे ना कुछ पूछने आता है ना कुछ। अब मैं कभी कभी स्टूडियो जाने को जी चाहता है, सड़क पर खड़ा होता हूँ, रक्शे को हाथ देता हूँ, वो रक्शा भी खड़ा नहीं करता। वो यही कि शायद ये पैसे ना दें। स्टूडियो जाने के लिए किराया नहीं होता, उधार मांग कर चला जाता हूँ, वापसी पर अदा कर देता हूँ। जी नाज़रीन, मज़हर शाह साहब की बातें तलख भी हैं, कड़वी भी, लेकिन हमारे फिल्मी नाखुदाओं से कोई क्या गिला शिकवा करे। यहाँ पर चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं और डूबते हुए को खुदा हाफिज़। मज़हर शाह 11 अक्टूबर 1999 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उनकी सैकड़ों फिल्में हैं, उनकी यादें ताज़ा करती रहेंगी, जिनमें बैरूपिया, बाबला, बेड़ा, चौधरी, चाचा, खामखा, हाथ जोड़ी, गद्दार, जीदार, मलंगी, परया, मेला, बांकीनार, बेम साहब, चूड़ियाँ, अब्बा जी, दिलदा जानी, मुकाबला, अकबरा, यार मार, नीली बार, मैदान, सस्सी पुन्नू, जुम्मा जांजनाल, अनवरा वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। जब भी उनकी फ़िल्में देखती हैं तो उनकी बहुत याद आती है। वो नहायत नफीस आदमी थे, मोहब्बतों से भरे हुए इंसान थे, लेकिन अफसोस कि फ़िल्म इंडस्ट्री ने उनके अकमल के बाद उनसे पूरा वो काम न लिया जिसके वो हकदार थे। अल्लाह ताला मज़हर शाह मरहूम को जन्नत फ़रदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।